हेलो दोस्तों, इजी रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे लहसुनी पालक की खिचड़ी। इस खिचड़ी को हम अपने नाश्ते के लिए या डिनर के लिए बना सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट होने के साथ साथ में बहुत ही हेल्दी होती है। तो चलिए इस खिचड़ी को बनाना शुरू करते हैं। मैंने आधा कटोरी छिली हुई मूंग की दाल ली है और इसी सेम कटोरी के अंदाज से डेढ़ कटोरी बासमती चावल लिए हैं। आप बासमती चावल की जगह पे और कोई भी चावल ले सकते हैं। तो मैंने इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से धो लिया है और अब मैं इनको कुकर में डाल रही हूँ। अब मैं इस चावल वाली कटोरी से तीन कटोरी पानी की डालूंगी और साथ ही में डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और आधा चम्मच देसी घी। दोस्तों, अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम मिला लेंगे और दो सीटी आने तक पकाएंगे। जब तक हमारी खिचड़ी बनती है, हमें बाकी का प्रोसेस शुरू करना है। तो सबसे पहले मैंने ये 150 ग्राम पालक लिया है। इनको अच्छे से धोने के बाद में गर्म पानी में 5 मिनट तक पकाएंगे। दोस्तों, 5 मिनट हो गए हैं और अब हम इस पालक को बहुत ही ठंडे यानी कि आइस क्यूब वाले पानी में डालेंगे। इस प्रोसेस को ब्लेंचिंग कहते हैं। पालक की ब्लेंचिंग करने से जो इसका नेचुरल ग्रीन कलर है वो बना रहता है और जो खिचड़ी का कलर है वो भी नेचुरल ग्रीन आता है, जो दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है। अब इस पालक को हम ग्राइंडर में डालेंगे और साथ ही में डालेंगे एक हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। साथ ही में डालेंगे कुछ पुदीने के पत्ते, 6 से 7 लहसुन की कलियाँ और थोड़ा सा हरा धनिया। अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही बारीक पीस लेंगे। अब हम दूसरी एक कढ़ाई में 3 टेबलस्पून घी डालेंगे। घी गरम हो गया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे जीरा, 1/4 टीस्पून हींग पाउडर, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। 10 सेकंड तक अदरक लहसुन के पेस्ट को पकाने के बाद में इसमें डालेंगे एक बड़ा बारीक कटा हुआ प्याज और 2 से 3 मिनट तक इसको पकाएंगे। जैसे ही प्याज ट्रांसलूसेंट हो जाता है, इसके अंदर हम डालेंगे एक बारीक कटा हुआ टमाटर और स्वाद के अनुसार नमक। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना है कि नमक हमने खिचड़ी में ऑलरेडी डाल दिया है, तो हमें सिर्फ मसाले के अनुसार ही नमक का इस्तेमाल करना है। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च। चाहिए तो आप ये लाल मिर्च को स्किप कर सकते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी हरी मिर्च डाल दी है। आधा टेबलस्पून गरम मसाला। अब हम सारे मसालों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये मसाले फ्राई हो गए हैं और अब इसके अंदर डालेंगे हम अपना पीसा हुआ पालक और 3 से 4 मिनट तक इसको और पकाएंगे। हमारा मसाला जो है वो बन के तैयार हो गया है और अब हम इसके अंदर हमारी बनी हुई जो खिचड़ी है उसको मिक्स कर लेंगे। खिचड़ी थोड़ी गाढ़ी लग रही है तो इस समय पे हम थोड़ा पानी और मिक्स कर लेंगे। अभी इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो सही है। अभी इस टाइम पे आप चाहें तो आधे नींबू का रस मिला लें और 3 से 4 मिनट और पका करके गैस बंद कर दें। एक बर्तन के अंदर 2 टेबलस्पून घी के लेंगे। इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी हींग, 7 से 8 लहसुन की कलियां और 1 सूखी लाल मिर्च। लहसुन जैसे ही ब्राउन हो जाता है, इसको हम डालेंगे हमारी खिचड़ी के ऊपर। दोस्तों, इस लहसुन के तड़के की वजह से जो हमारी खिचड़ी का स्वाद है वो दुगुना हो जाता है। देखिए, लग रही है ना हमारी खिचड़ी बहुत ही टेम्प्टिंग। दोस्तों, अगर आप ये खिचड़ी अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्ची का स्पेशली ध्यान रखें। फ्रेंड्स, आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वंस अगेन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।